मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज सैलाना में भाजपा और कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने अपनी 15 माह की प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो भाजपा द्वारा उनकी सरकार को गिराने पर कहा कि यह विश्व के प्रजातंत्र का पहला उदाहरण है जहां बोली बोल लो सरकार बना लो, ऐसे में चुनाव की जरूरत ही कहां रह जाती है। श्री कमलनाथ सैलाना में सैलाना के पूर्व विधायक वरिष्ठ आदिवासी नेता प्रभुदयाल गहलोत की प्रतिमा अनावरण समारोह में भाग लेने आए थे। प्रतिमा अनावरण के पश्चात सैलाना विधायक हर्ष विजय गहलोत के निवास पर आयोजित कार्यक्रम में श्री कमलनाथ ने अपने उद्बोधन में कहा कि कई सारी बातें होंगी, 15 माह में क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मैं महाराज नहीं हूँ, मैं मामा नहीं हूँ, मैं चाय वाला नहीं हूँ, मैं कमलनाथ हूँ। कोई कहता है मैं टाइगर हूँ, मैं ना तो टाइगर हूँ ना पेपर टाइगर। मैंने ईमानदारी से प्रदेश को मिलावटखोरी माफियाओं से मुक्त करने का प्रयास किया, किसानों के कर्ज माफी की। बहुत सारी बातें कहेंगी 15 महीने में ये नहीं हुआ, मैं महाराजा नहीं हूँ, समझ गए ना, मैं मामा नहीं हूँ, मैंने चाय नहीं बेची, मैं कमलनाथ हूं। और कोई कहते हैं मैं टाइगर हूं, मैं ना टाइगर हूं ना पेपर टाइगर हूं। जनता तय करेगी कौन टाइगर है और कौन पेपर टाइगर है, सही बात है ना। तो जो हुआ मैंने ईमानदारी से प्रयास किया, जब माफिया मैंने कहा मध्य प्रदेश की पहचान क्या माफिया से होगी, मध्य प्रदेश की पहचान क्या मिलावट से होगी, मध्य प्रदेश की पहचान क्या ये बेरोजगार नौजवान जो भटक रहे हैं देश भर में उससे होगी। मध्य प्रदेश का एक नया नक्शा बनाए, मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाए, ये मेरा प्रयास था। माफिया होए, मिलावट होए, बेरोजगारी होए, निवेश होए, निवेश तो तभी आएगा जब लोगों को विश्वास होगा मध्य प्रदेश पर। कह देना, घोषणाएं कर देना, घोषणाएं कर देना शिवराज सिंह जी, तो जहां जाएंगे कुछ ना कुछ घोषणा, कुछ ना कुछ ऐलान और मीडिया। ये फोटो की राजनीति बहुत हो गई, नौजवानों पहचान लीजिएगा, ये फोटो की राजनीति, ये टेलीविजन की राजनीति, ये मीडिया की राजनीति। बड़े बड़े ऐलान किए जाएंगे, हम इतना पैसा दे रहे हैं सब मजदूरों को, कैसे मजदूर भटकते हुए आए, किसी को कुछ पैसा मिला नहीं। ऐलान 20 लाख करोड़। अरे यार 2 करोड़ रुपए सैलाना को दे देते, 20 लाख करोड़ तो छोड़ो, कम से कम हर आके आपकी तारीफ तो कर जाता, पर 2 करोड़ नहीं कर देता, 2 कौड़ी दिया नहीं। और मीडिया और सरकार बना ली है, सौदा कर ली, ये अपने विश्व के प्रजातंत्र का पहला उदाहरण है। विश्व के कि बोली बोल लो, सौदा कर लो, सरकार बना लो, तो चुनाव की क्या जरूरत है। इसके पूर्व मंच पर मौजूद दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह समेत पूर्व मंत्रियों एवं विधायकों का स्वागत सैलाना विधायक हर्ष विजय गहलोत शेखर गहलोत ने किया। स्वागत उद्बोधन सैलाना विधायक हर्ष विजय गहलोत ने देते हुए पूर्व मुख्यमंत्रियों की सरकार द्वारा प्रदेश में किए गए जन कल्याणकारी कामों का उल्लेख किया। कार्यक्रम में अतिथियों को आदिवासी परंपरा के तहत तीर कमान भेंट किए गए। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता स्वर्गीय प्रभुदयाल गहलोत की प्रतिमा का अनावरण आज सैलाना में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया। उनके साथ इस मौके पर राज्यसभा सांसद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के विधायक पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी सहित कई विधायक मौजूद थे। इसके पूर्व श्री कमलनाथ एवं दिग्विजय सिंह हेलीकॉप्टर द्वारा भोपाल से सैलाना आए। यहाँ उनकी अगवानी सैलाना विधायक हर्ष विजय गहलोत, आलोट विधायक मनोज चावला, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश भरावा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया सहित कई कांग्रेस नेताओं ने की। कांग्रेस नेता हेलीपैड से सीधे प्रतिमा अनावरण स्थल पहुंचे जहां प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री द्वय कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने पौधरोपण भी किया। कमलनाथ एवं दिग्विजय सिंह ने सैलाना विधायक हर्ष विजय गहलोत सहित मौजूद परिवारजनों से भी मुलाकात की। सैलाना आए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार सौदे की सरकार है, सौदे का मंत्रिमंडल है, 14 मंत्री जो विधायक नहीं है यह सौदा नहीं तो क्या है। मीडिया के सवालों के जवाब में कमलनाथ ने कहा कि भाजपा मध्य प्रदेश का अपमान कर रही है, मध्य प्रदेश का अपमान पूरे देश में हो रहा है,
जिस तरह का खिलवाड़ पूरे प्रदेश के साथ हो रहा है, हमें तो शर्म आती है कि इस प्रकार की राजनीति मध्य प्रदेश में हो रही है। ऐसी राजनीति मध्य प्रदेश में कभी नहीं होती थी। मैं स्वर्गीय प्रभु दयाल गहलोत जी के मूर्ति के अनावरण के लिए आज सैलाना आया था। प्रभु दयाल जी एक समाज सेवक थे, उन्होंने हमारे देश की प्रदेश की मूल्यों की अपने जीवन में हमेशा रक्षा करी और एक उदाहरण है सबके लिए। किसी भी कल जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ उसको लेकर के बहुत आक्रोश भाजपा में गया। अब ये उनका अंदरूनी मामला है, ये सौदे की सरकार है, सौदे का मंत्रिमंडल है, 14 मंत्री जो विधायक नहीं है तो ये सौदा नहीं है तो ये क्या है? ये मध्य प्रदेश का अपमान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का अपमान पूरे देश भर में हो रहा है कि किस प्रकार का खिलवाड़ मध्य प्रदेश के प्रजातंत्र के साथ हो रहा है। हमें तो शर्म आती है कि इस प्रकार की राजनीति उत्पन्न हो मध्य प्रदेश में। ऐसी राजनीति मध्य प्रदेश में कभी नहीं होगी। आपने अपने ट्वीट में भाजपा के वरिष्ठों से सहानुभूति दिखाई और रतलाम जिले में भी हमारे डॉक्टर पांडे हैं, सतन काश्यप। हाँ, मैंने सहानुभूति दिखाई। देखिए, जो आवश्यक है मैं सोचता हूँ। मैं टाइगर जिंदा है वाली जो राजनीति चल रही है, देखिए टाइगर जिंदा है, टाइगर पेपर टाइगर जिंदा है, सर्कस का टाइगर जिंदा है। अपने देश में भी तरह तरह के घोड़े भी होते हैं। एक शादी का घोड़ा होता है, दूसरा सजा के नाचने जाता है शादी में, एक रेस का घोड़ा होता है, इस प्रकार के कई टाइगर भी होते हैं। राज्यसभा सांसद एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल गठन पर कहा कि इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, यह अस्थायी मंत्रिमंडल है, 3 माह बाद फिर मंत्रिमंडल बनेगा, 14 लोग बिना विधायक मंत्री बने हैं, देखना है कि उनमें से कितने लोग जीत कर आते हैं। उन्होंने आज अपने ट्वीट पर कहा कि जब तक मंजूरी मिलती थी शिकार करते थे, जब से वाइल्ड लाइफ एक्ट आया है तब से शिकार बंद कर दिया है। इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, अस्थाई मंत्रिमंडल है क्योंकि 3 महीने बाद फिर से मंत्रिमंडल नया बनेगा। पता नहीं इसमें जितने 14 लोग बिना विधायक बने मिनिस्टर बन गए उनमें कितने जीत के आते हैं, देखते हैं। सर शिकार करते थे आप, सर शेरों का, उसको लेके सर कुछ जी, आप शिकार करते थे श्रीमंत के साथ में शेरों का। हाँ, और हमारा क्या है सर आपने आज? जी हाँ, जब तक शिकार की इजाज़त थी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आया तो उसके पहले तो मंजूरी मिलती थी, उसमें मैं शिकार करते थे। रतलाम झाबुआ के सांसद गुमान सिंह डामोर ने कहा कि सिंधिया परिवार को भाजपा का जनक माना जाता है, राजमाता सिंधिया ने भाजपा का नामांकन किया था। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है तो यह सही कहा है। जनता की सेवा के लिए असत्य का साथ छोड़कर सत्य के साथ आए और वे मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने वाले एकमात्र शेर व्यक्ति हैं। सांसद श्री डामोर रतलाम में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। श्री डामोर आज रतलाम में भाजपा कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ता एवं जिला भाजपा पदाधिकारियों से भी मिले। भारतीय जनता पार्टी का नामांकन, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई तो भारतीय जनता पार्टी का जो नामांकन है वो राजमाता सिंधिया ने किया है। सिंधिया परिवार को भाजपा का जनक माना जा सकता है और राजमाता भाजपा की पालक रही है। ऐसे स्थिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको सभी लोग में भी सम्मान के साथ महाराज कहते हैं, उनका यह कहना है कि टाइगर अभी जिंदा है, इसका अर्थ ये है कि मध्य प्रदेश की जनता की सेवा के लिए एक शेर व्यक्ति है जिसने असत्य और अन्याय का विरोध करके सत्य और न्याय का साथ दिया है। पावर हाउस रोड स्थित सब्जी नीलाम मंडी में व्याप्त गंदगी की समस्या से किसानों के साथ साथ व्यापारी भी परेशान हैं।
गंदगी से उठने वाली बदबू से व्यापारियों का खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। इस सब्जी नीलाम मंडी परिसर में ही लहसुन एवं प्याज की नीलामी भी होती है। सुबह से लेकर देर शाम तक मंडी में किसानों एवं व्यापारियों की आवाजाही बनी रहती है, लेकिन सुबह सब्जी नीलामी के बाद सफाई नहीं होने से मंडी में चारों तरफ कचरा ही कचरा नजर आता है। लहसुन और प्याज की नीलामी से निकला कचरा उड़कर मंडी परिसर में व्यापारी की दुकानों तक में घुस जाता है। व्यापारी परेशान है। व्यापारियों ने समय समय पर सफाई किए जाने की मांग भी की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। व्यापारियों का कहना है कि सफाई नहीं होने से बीमारी फैलने का खतरा भी बन गया है। पंकज अग्रवाल भैया, ये जो गंदगी हो रही है, क्या कैसे हो रही है, किस कारण हो रही है? गंदगी का विषय एक ही है, समय पर सफाई नहीं होना। डेली सफाई होगी तो गंदगी हो जाएगी। ये प्याज तो कच्चा आइटम है और छटन होती है, छटन निकल जाती है। जो सुबह 7 बजे जो सब्जी मंडी लगती है, कई सब्जियाँ भी खराब पड़ी हुई है, कई ढेर लगे हुए हैं। ये तो प्रशासन अगर सख्ती करेगा तो व्यापारी उसको एक बोरे में भर लेगा, तो प्रशासन अपनी गाड़ी में भर के ले जाएगा। पीछे के रहवासी भी आवाज़ उठाते हैं कि हमें बदबू आ रही है, हमारे घर में बीमारी का ग्रह चल रहा है। तो प्रशासन को चाहिए कम से कम उसे एक तरफ इकट्ठा ना करें, दबाव बनाए ना, तो हो जाएगा। कम से कम अगर ये शास्त्रीय काम हो रहा है, ठेकेदार को कम भाव में क्यों दे? उसको उसका पूरा पैसा मिलेगा तो क्यों नहीं करेगा काम? ये ठेके कम में दे देते हैं, सफाई होती नहीं है। और फिर इस कोरोना की महामारी में इसी गंदगी ये ना कि आप हमसे पूछो और हम आपको बताएं, पूरी दुनिया परेशान है गंदगी। इसमें कौन कौन सी बीमारी फैलने का डर रहता है सब्जी से? बहुत सारी है, मलेरिया, बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम, सब उससे ही होता होता है। गंदगी से तो सारी बीमारियाँ फैलती है ना, सही तो कुछ तो प्रशासन दबाव बना तो अपना हो सकता है, जो नहीं हो सकता है। तो आप खुद यहाँ पे रहते हो, आपको खुद को पैसे दे के सफाई करवानी पड़ती है, ऐसा क्या? नहीं, सफाई तो हमने कभी पैसे दे के नहीं कराई है, परंतु वो प्रशासन कहता है कि ये सफाई ठेका है और ठेकेदार एक दो टाली भरता है, एक टाली भरता है, एक टाली का कम से कम 4-5 टाली को भरा, इतना गंदगी निकलती है। मतलब कि देखा जाए तो लापरवाही लापरवाही तो है ना।